हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी ब्लॉगर आदित मॉम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी होंगे। ये देखिए मौसम का मिजाज, कितनी जोर की बारिश हो रही है और आसमान में देखो कितने गहरे गहरे काले काले बादल हैं और बहुत ही जोर की बारिश हो रही है। और इस बारिश में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बादल भी बहुत जोरों शोरों से गड़क रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ये देखो मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा देखो। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी रात के लिए, तो भिंडी को मैंने लंबा लंबा काट लिया है और साथ में मैंने प्याज भी काट लिया, टमाटर भी काट लिया और ये मेरे सारे मसाले हैं जो सब्जी बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो सब्जी बनाने के लिए जैसे ही मैंने कढ़ाई गैस पे रखी और उसमें तेल गर्म करने के लिए डाला तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आदमी के लिए पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने तेल गर्म था और तेल गर्म में कोन को डाल दिया और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसको मैं अब चलाती चलूँगी थोड़ी देर के लिए, जैसे जब तक कि ये पटकना शुरू ना हो जाए। जैसे ये पटकना शुरू हो जाएंगे वैसे ही मैंने इसके ऊपर फिर ढक्कन लगा दिया और ढक्कन को हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि ये पटकने की आवाज़ पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती। जब तक ये पटकते रहेंगे तब तक हम अपना ढक्कन नहीं खोलेंगे। पॉपकॉर्न मेरे बन के तैयार हो गए, अब मुझे बनानी है सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी और जीरा और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी फिर प्याज। ये मैंने प्याज डाल दिया और प्याज को भी मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा सुनहरा हो, मतलब कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा गोल्डन सा हो जाए, मैं तब तक इसको पकाऊंगी। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और अब इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको मैं थोड़ा सा और चलाऊंगी कि अभी ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और टमाटर को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर सॉरी टमाटर को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और टमाटर और पूरा मसाला तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। ये देखिए टमाटर थोड़े पक से गए हैं और अब इसमें और टमाटर ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। मैं इसमें डाल दूंगी अपनी भिंडी और भिंडी को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और साथ में मैं बना रही हूँ शाम की चाय। हम शाम को भी चाय पीते हैं तो सब्जी के साथ साथ मैंने चाय भी बना रही हूँ। तो अभी ये डाल दी मैंने भिंडी और मैं सारी भिंडी को अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको बिना ढक्कन से पकाऊंगी।
देखिए भिंडी हमारी मिक्स हो रही है। चाय भी मेरी उबल के तैयार हो गई है, तो अब हम पॉपकॉर्न के साथ चाय को एंजॉय करेंगे। आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। ये देखिए भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और ये साथ में घर का घी है हमारा, आदविक परांठा, और यहाँ आद्विक चपाती बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये परांठा बना रहा है अपनी मम्मा के लिए। खाना बनके तैयार हो चुका है, तो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और आप ही खा लीजिए हमारे साथ खाना।